हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल किमामी सेमई की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरे बताए गए मेथड से इस रेसिपी को बनाते हैं तो सेवैयाँ बिल्कुल भी अटेंगी नहीं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगी। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक दें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। सबसे पहले हम शुगर सिरप को रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, फ्लेम को ऑन कर लिया है। इसमें मैंने ऐड किया है आधा कप पानी और एक कप चीनी। साथ ही इसमें आधा चम्मच हम ऐड करेंगे इलायची का पाउडर और एक चौथाई छोटा चम्मच ऐड करेंगे हम ज़ाफ़रानी कलर। ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, नहीं तो स्किप कर दें। साथ ही कुछ थ्रेड्स हमने इसमें ऐड किए हैं सेफ्रॉन के। और अब चीनी के मेल्ट होने तक हम इसको कुक करेंगे। हमें यहाँ पे चाशनी को रेडी नहीं करना है, चीनी को सिर्फ मेल्ट करना है। चीनी मेल्ट हो गई है, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम रख लेंगे एक साइड में। और यहाँ मैंने ये एक पैन ले लिया है, फ्लेम को ऑन कर लिया है और फ्लेम को कर लिया है स्लो। इसमें हम ऐड करेंगे घी, तो मैंने आधा कप घी लिया है, उसमें से मैंने एक बड़ा चम्मच घी इसमें ऐड किया है। और इसमें हम रोस्ट करेंगे ड्राई फ्रूट्स को, तो आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने काजू पिस्ता और किशमिश ली है, अखरोट लिए हैं और आधा कप के करीब मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इनको हम कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट करके किसी प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसी पैन में हम ऐड कर देंगे बचा हुआ घी और इस पर हम रोस्ट करेंगे सेवई को। तो मैंने यहाँ जो सिमई ली है वो ना बहुत मोटी है और ना ही बहुत पतली है, मैंने मीडियम साइज़ की जो सिमई आती है वो ली है और इसको थोड़ा छोटा छोटा तोड़ लिया है। और मैंने यहाँ 100 ग्राम सिमई ली है। फ्लेम को अब मीडियम हाई कर लेंगे और सिमइयों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। तो सिवैयाँ हमारी यहाँ पर रोस्ट हो गई हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध जिससे कि सिवैयाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, बिल्कुल भी अटेंगी नहीं। तो मैंने यहाँ आधा कप दूध लिया है और अभी मैं थोड़ा ही दूध ऐड करूँगी और सिवैयों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब सारा दूध इसमें से ड्राई हो जाएगा, ज़रूरत पड़ने पर हम बचा हुआ दूध ऐड करेंगे, नहीं तो हम इतने ही दूध का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमें हल्के हाथों से जो दूध हमने ऐड किया है उसको मिक्स कर लेना है सिवैयों के साथ। तो यहाँ सारा दूध ड्राई हो गया है और अब मैं इसमें बचा हुआ भी ऐड कर दे रही हूँ। 2 टेबल स्पून के करीब था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी हम मिक्स कर देंगे। दूध ऐड करना सिवैयों में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शुगर सिरप के कांटेक्ट में आते ही वो ऐड जाती हैं। दूध ऐड करने से सिवैयाँ एकदम सॉफ्ट रहती हैं। इसमें शुगर सिरप को ऐड कर देंगे और इसको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। अब फ्लेम को हम मीडियम हाई कर लेंगे और हम मीडियम हाई पर ही इसको कुक करेंगे जब तक कि सारा पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता। और अब इसमें ऐड करेंगे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स, इनको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 कप खोया, खोया डालकर भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो पानी सारा ड्राई हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे खोया। मैंने यहाँ 150 ग्राम खोया लिया है, 1/4 कप मैंने पहले ऐड किया था और बाकी का मैं अब इसमें ऊपर से गार्निश कर दूंगी। फ्लेम को अभी मैंने हाई कर लिया है और हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक हम इसको ढककर पकाएंगे। उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए, सिवैयाँ हमारी यहाँ पर रेडी हैं। अब हम कर लेंगे इसको मिक्स और इसको हम करेंगे सर्व। ये बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।